नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। कर दिया, हाँ बिल्कुल खराब कर दिया। आप देखिए ना कि पिछले चार सालों में इन्होंने अस्पताल तो छोड़िए, अगर जो पूरे हरियाणा की बात करें तो एक डिस्पेंसरी भी खोली हो। तो मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा, हमने खेड़ की माजरा में 50 एकड़ का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था, उसके लिए बजट आलोक यही सिर्फ इसी हॉस्पिटल की बात इसी की बात करते हैं अभी इसी की बात इस हॉस्पिटल की। आप देखिए, जब हमने इसको बिल्कुल चकाचक कर दिया था, चार सालों में ना तो ये डॉक्टर स्टाफ दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल हिल चुकी है, यहाँ पे इतना बुरा हाल है। हमने तो सर नेताओं के वादे भी गए हैं, एम्बुलेंस देखिए वही साहब, यहाँ पे सत्ता में रहे या सत्ता से राजीव जी इतना एकदम उत्तेजित मत होइए, सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो वादे सारे करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आके करने की बात आती है तो फिर नहीं करेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि पिछले वाले ये खराब करके चले गए थे, गड्ढा खोद कर गए थे, हम तो उसको भरने में लगे हुए हैं। अब जो है उनके बारे में कहा जाता है कि हमने बहुत अच्छा किया था, ये इन चीजों को खराब कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ आरोप तो लगाते रहेंगे दूसरे के लिए, लेकिन जो जनता पिस रही है उसके लिए कुछ नहीं कर। मैं इसमें राजी ये कहना चाहूंगा कि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सरकार किसी पार्टी की हो सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है और सरकार के नेतृत्व के बाद शासन के ऊपर कमांड किसकी है। यदि आपकी बुनियादी योजनाएं सही हैं और सही समय पर उनका क्रियान्वित किया जाए तो यह आज समस्या आपको मीडिया को आने की जरूरत नहीं पड़े। आज ये बताएं कि चार साल हो या 16 साल हो, ये बुनियादी बात है, जब सरकार शपथ लेती है पहले बदलाव क्यों लाती है सरकार का? बदलाव जनता तभी लाती है जब पहली सरकार के कुशासन से परेशान होती है, और जब नई सरकार आती है वो भी अगर वही रूप दिखाए तो जनता बिचारी भोली भाली क्या करेगी, जनता का काम है रोना। आज आप देखिए ये मरीज खड़े हैं, एक मरीज का अगर इलाज हो जाता हो सकता है दूसरे का ना हो, ये कारण सिर्फ संख्या डॉक्टरों की यहाँ पर ना होने का कारण है। अगर डॉक्टरों की संख्या समय पर हो और मंत्री जी उसकी खिंचाव करें और यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी समय पर इनको चेक करे तो किसी को शिकायत करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन सारे के सारे आनंद लेते हैं, मरीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसी वजह से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा देखना पड़ता है और वहां वो जेब कटवाते हैं। कुलभूषण जी एक बार अंदर चलते हैं, थोड़ा सा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम बात कर रहे थे उसकी भी एक बार तस्वीर देख लेते हैं और वहां फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक एक सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाह रहा हूं कि 55 डॉक्टर होना चाहिए, और ये बात तो देखिए जो लोग यहां आए हैं इलाज कराने के लिए वो भी ये बात मान रहे हैं कि भैया जो इलाज हमें मिलना चाहिए जितनी जल्दी मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, 55 पोस्ट सेंशन है, आपके पास कुल 37 डॉक्टर अभी मौजूद हैं, 55 से भी ज्यादा की जरूरत है, अब उसमें से भी अगर 37 ही रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगी, क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया जा रहा कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए? आप जो जानकारी यहाँ से मिली है कि 42 डॉक्टर यहाँ पर जो है यहाँ के लिए हैं और 42 के अंदर से तीन एक डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया और दो डॉक्टर साहब जो है वो लीव पर चल रहे हैं। आप जहाँ गुरुग्राम एक महानगर बन चुका है और महानगर होने के कारण मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है कि डॉक्टरों की आवश्यकता ज़्यादा होनी चाहिए और समय समय पर सरकार इस बारे के अंदर यहाँ के जो सुझाव है उन पर अमल भी करती है। एक तस्वीर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिलहाल यहाँ से एक शुरुआत कर लेते हैं, मतलब ये आपका ये सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, ये तो एक छोटा सा वर्क है, पूरे आप इस ओपीडी की लेन में जाएंगे वहां जो ग्रीन नेट जो लगा हुआ वो नेट दरअसल इसलिए लगाया हुआ कि पूरी जो है छत टूट चुकी है और आप समझिए कितने बड़े रिस्क में लोग यहाँ खड़े होकर अपने इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं, अपने यहाँ इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या कम से कम आप नई बिल्डिंग तो जब बनेगी तब बनेगी, इसकी मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं है क्या सरकार के पास? क्या बिल्कुल खजाना खाली हो गया? पिछली सरकार वाले सारा खजाने खाली करके गए थे? नहीं, सरकारी खजाना जो आप बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था उसके लिए आप देख रहे हैं कि जो सावधानी पूर्वक इसीलिए वो लगा रखी है वहां पर ताकि कोई दुर्घटना ना। पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, ऐसी कौन सी दुर्घटना का आप इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं आप? रिपेयरिंग नहीं हो सकती, आपने नेट लगा के टेम्परेरी मतलब आप मखमल में वो एक टाट का पाबंद लगाने वाली बात हो गई, क्योंकि नई बिल्डिंग का निर्माण करना है और इसलिए जो आर्किटेक्ट है उन्होंने जो जानकारी दी है उनके जो सुझाव हैं कि आम जनमानस को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो, उनको उनके जीवन से खिलवाड़ ना हो, ऐसी व्यवस्था के साथ साथ नए भवन का जो निर्माण है। बड़ा भारी ये दुर्भाग्य है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि एक छोटी सी रिपेयरिंग के लिए बहुत कम बजट में वो रिपेयरिंग हो सकती है, मतलब नई बिल्डिंग बनेगी तब बनेगी, वो भी सिर्फ सपने हैं, दूर के सपने हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नहीं है जो आप सालों साल खड़ा कर दे, क्योंकि उसमें आपके मंत्रियों को रुकना है, अधिकारियों को रुकना है। आप जिसकी बात कर रहे थे 10 करोड़ आपने लगाए, तो ये जो 10 करोड़ आपके ढह गए पिछले 4-5 साल में हुआ क्या था ऐसे, मतलब लगा कि किस तरह का मेटेरियल यहाँ लगाया गया था और वो कौन से 10 करोड़ रुपए थे?
देखिए राज्य जो 10 करोड़ रुपए लगे थे, बाकायदा पूरा इसका काम हुआ था, उसके बाद इसका सेफ्टी का सर्टिफिकेट इशू हुआ। ढह क्यों गया सर, ढह क्यों गया? अगर जो आप इसकी मरम्मत नहीं कराएंगे, देख रेख नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य पर 5-7 साल में ही 5-7 साल में ही मरम्मत की जरूरत पड़ जाएगी। सर मरम्मत की जरूरत तो एक दिन में भी पड़ सकती है। अगर जो आप देखिए ये फॉल सीलिंग है, अगर जो इसको शुरुआत में जब ये क्रैक आया तब इसको रिपेयर कर दिया जाए तो इसका ये हाल ना हो, क्योंकि ये पैसा तो सारा ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार पे उड़ा दिया, उनकी रैलियों पे उड़ा दिया। जो डॉक्टरों की कमी है, इनसे ये पूछिए आप भाजपा के प्रवक्ता से कि आपने कितने मेडिकल स्टाफ को मंत्रियों की मुख्यमंत्री की VIP ड्यूटी में लगा रखा है। ये भी बड़ा अहम सवाल है। देखिए आप मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बस ठीक है टेम्परेरी है, क्योंकि गरीब आदमी यहाँ पर आता है। मंत्रियों को, बड़े नेताओं को, अधिकारियों को अगर इलाज कराने के लिए आना हो तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी, एकदम चमका देंगे, नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक तो डॉक्टर कम है, फिर VIP ड्यूटीज गुरुग्राम है, दौरे लगते रहते हैं मंत्री और मुख्यमंत्रियों के और बाकी भी, उसमें स्टाफ चला जाता है, तो पिसती है जनता ही है। देखो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इन बुनियादी बातों की तरफ जो खजाने के मालिक हैं वो इस पर कम ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि उनको इन योजनाओं में कुछ मिलना मिलाना नहीं है। सरकार के खजाने को निकालने का तरीका वो योजना बनाते हैं जिसमें उनके घर में लक्ष्मी कैसे पहुंचे। आप ये बताइए कि सरकार का खजाना उनके अपने घर के बाप होती है, घर का पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक की बुनियादी जरूरत के लिए सबसे पहले पैसा लगाना चाहिए। किसने ध्यान दिया है? सरकार कोई रही, पहली रही है, मौजूदा है। जब तक सरकार की क्रियान्वित योजना के ऊपर अंकुश समय पर नहीं लगेगा, ये खजाने ऐसे लूटते रहेंगे। वरना बुनियादी बातें जो मैं आज हॉस्पिटल में देख रहा हूँ, ये सबसे पहले कि चिकित्सा अधिकारी का काम बनता है तो लिख करके सरकार को भेजे और सरकार को संज्ञान में लाए, ये पहले होनी चाहिए। जब यह कैजुअलिटी कोई हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब सरकार फटाफट एक सेकंड में घूमती है कि इसको पूरा करिए, पहले क्यों नहीं ध्यान देते इस बात के ऊपर। आप लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आए? आप इलाज कराने के लिए आए? कोई दिक्कत परेशानी, आराम से हो रहा है इलाज? देखिए इलाज तो हो रहा है, लेकिन ये कि लंबी कतार है, लंबी लाइन है, इंतजार बहुत ज्यादा का, इंतजार बहुत करना पड़ता। कभी कभी ऐसा होता कि हम नंबर लग के मेरा नंबर ही नहीं आया। आपकी इस उम्र में आपको जब लाइन में लगे घंटों इंतजार करना होता है तो जो जिस तकलीफ का इलाज कराने के लिए आ रहे हैं वो तकलीफ तो बढ़ती है और नई तकलीफ और मिल जाती है। क्या करें, उसका इलाज ही क्या है, ऐसे पहले जाने भी तो नहीं देते ना, नंबर ना आए जब तक। डॉक्टर बढ़ाए जाने चाहिए, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। डॉक्टर तो बढ़ाने चाहिए ना, और क्या है, इतनी लंबी लाइन में परेशान हो जाते हैं, कहीं चक्कर आना, कहीं पैरों में दर्द रहना, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी एक बात और, इस हॉस्पिटल को हम अगर रेफरल हॉस्पिटल का नाम दें, रेफरल हॉस्पिटल का अगर नाम दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में आपके सरकारी हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। यानी कि कोई अगर बड़ी विपदा आ जाए, कोई बड़ा जब दुर्घटना होती है तो उसका यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है, सिर्फ फर्स्ट एड कराई जाती है और उसे रेफर कर दिया जाता है सफदरजंग में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सुविधाएं बहुत बेहतर हैं? कारण क्या है कि जो मरीज यहाँ पर आते हैं और जो सुविधाएं इस अस्पताल में है, अगर उससे ज्यादा किसी मरीज की जान जीवन के बचाने के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। तो किसी भी मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो तो डॉक्टर भी इस बात का प्रयास करते हैं कि तुरंत उसको अच्छे किसी हॉस्पिटल में भेजा जाए। सर डॉक्टर तो प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उतने डॉक्टर ही नहीं होंगे जितने चाहिए तो वो प्रयास सही तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। जितने डॉक्टर हैं हम उनके काम पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, वो पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से जो भी वो दे सकते हैं वो देंगे, लेकिन आप समझिए अगर OPD में इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, एक एक दिन में 200-300 मरीजों को देखना पड़ेगा तो कितना समय दे पाएंगे वो? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा मैं किसी भी सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमसे 4 वर्ष पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनका मैं कहना चाहता हूँ, एक बार आप उनके बारे में भी सोचें कि उन्होंने जो ढांचा, जो यहाँ पर सुविधाएं जनमानस को दी थी, हम उसको ठीक करने का प्रयास करें और ज्यादा सुविधाएं मिले, ऐसा प्रयास हम लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए राज्य में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस अस्पताल की अब ये बिल्डिंग है, इसमें एक मरीजों की सीमित है कि सीमित आ सकते हैं, इसीलिए हमने सेक्टरों में जमीन अधिग्रहित की थी कि वहाँ पे वो बकायदा सरकारी अस्पताल के लिए चिन्हित अधिग्रहित की गई और वो जमीन हमने हैंडओवर भी कर दिया स्वास्थ्य विभाग को। जमीनें तो पता नहीं किसके लिए आप लोगों ने अधिग्रहित किया, उसके लिए बजट एलोकेट किया, ये बना नहीं रहे हैं तो इसमें इनका कसूर है, 4 साल में इन्होंने तो ईंट भी नहीं लगाई। दूसरा,
हमारे समय में क्या कभी ऐसा हुआ है कि अस्पताल के गेट के ऊपर किसी गर्भवती महिलाओं का बिचारी का प्रसव हो गया, उसको अंदर एडमिट नहीं किया गया? और जो आपने रेफरल की बात उठाई, पीछे रेफरल के नाम पे यहाँ जांच भी बैठी थी कि बिना किसी कारण के यहाँ से रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 4-5 सालों में जो प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है, आज तक सरकार ये नहीं बता रही है कि निजी अस्पताल गरीबों का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार उनसे मिली हुई है, सरकार के नुमाइंदे उनसे मिले हुए हैं, इसलिए गरीबों को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा। साइबर सिटी, प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जिसका चेहरा दिखाकर ये कहा जाता है कि देखिए इस प्रदेश में कितना विकास हो रहा है, लेकिन उसी शहर के हॉस्पिटल में जो लोग मरीज इलाज के लिए आते हैं उनका यहाँ इलाज ही नहीं हो पाता है। कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसको रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के लिए, तो आप फिर कैसे कहेंगे कि आप? चलिए देखिए, अब एक 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 तस्वीर यहाँ दिखाते, क्या हुआ, क्या था? मेरा शुक्रवार को एक्सीडेंट हुआ था, मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, मैं मेरे साथ में कोई नहीं है, हाथ मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बोले जाओ वहाँ से, सब दर्द भेज दिया जाएगा, बस ये लिख के दे दिया। तो क्या मतलब, क्यों नहीं आपका यहाँ इलाज हो पा रहा है, क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा सर मेरे को इतना चक्कर आ रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, बोले इमरजेंसी से आपको गाड़ी में भेज दिया जाएगा, अब मेरे को चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं मेरे को। नहीं, कारण अभी तो आपके नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात नहीं, इस पर अभी डॉक्टर से पूछते हैं, अभी क्या मामला है, क्यों रेफर किया गया, कारण क्या है? अगर गलत तरीके से रेफर किया होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी दिक्कत है जो यहां नहीं हो सकता उसका इलाज, और आप जो है उठा के तुरंत रेफर कर। मैं भी आपको एक प्रत्यक्ष साक्ष्य है, मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि अभी जानकारी इसमें अभी जानकारी ली जाएगी कि क्या कारण क्या है कि इनको रेफर किया जा रहा है, और अगर गलत तरीके से रेफर किया गया होगा तो आपके समक्ष आज ही और अभी तुरंत उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं, इस मरीज का कार्रवाई से फायदा नहीं होना है, इसका फायदा होना है इलाज से, लोगों का फायदा होना है इलाज से। आपके पास तो एक पहले से ही डॉक्टर नहीं है, उनमें से आप 2 को अगर सस्पेंड कर देंगे और कमी हो गई, भुगतेगा कौन? ये आम आदमी भुगतेगा। दूसरा देखिए, अब एक चीज और, मतलब क्या आपके पास रूम्स की कमी है या क्या व्यवस्था है कि बेड आपको यहाँ गलियारे में लगाने पड़ गए? बेड ज्यादा जरूरी, निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्थान का अभाव होगा, जो बेड लगाने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दोराय है नहीं, लेकिन भाई मैंने आपसे कहा ना कि महानगर होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो ढांचा जो सरकार को मिला था, जो अव्यवस्थित ढांचा मिला था हमारी सरकार को, उसको ठीक करने का प्रयास हम कर रहे हैं। सर कितना, 4.5 साल में क्या कर लिया? उसी के लिए ही हमने जो है यहाँ पर साथ में जो स्कूल की भूमि है उसको भी लेने का काम कर रहे हैं, ताकि 500 बेड का क्या। अच्छा, दवाइयां आपको यहाँ मिल रही? दवा भी बाहर से लेना पड़ता है, यहाँ जो महंगा दवा होता है बाहर से लाना पड़ता है। मतलब जो सिर्फ छोटी मोटी सस्ती दवाइयाँ वो यहाँ मिल रही है, बाकी सब ये दवा जो है ये बाहर से मिल रही है, अभी ले आऊँ। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं है यहाँ पर ये दवा? मिलना चाहिए ना सरकारी। आप दावा करते हैं कि हम तो सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं, दवाइयाँ बहुत सारी, पता नहीं दवाइयों के ट्रक जो है वो लोगों के ऊपर मुफ्त लुटा रहे हैं, अब ये क्या हालात है? लोगों को बाहर से दवाइयाँ लेनी है, सस्ती दवाइयाँ यहाँ दे रहे हैं, महंगी दवाइयाँ बाहर भेज रहे, कुछ सेटिंग चल रही है क्या हॉस्पिटल और बाकी बाहर के मेडिकल? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जब जो सामने मामला आ रहा है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा कि कारण क्या है कि दवाइयाँ यहाँ पर जो लिखी गई हैं या जो नहीं लिखी गई हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही। एक और अहम सवाल, दवा यहाँ बहुत कम मिलते हैं, थोड़ा सा मिलता दवा पूरी दवा बाहर चलानी पड़ती है, कोई सभी बीमारी की डॉक्टर को शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं उसको बोलता हूँ ना, बोलता कि यह दवा भी नहीं है यहाँ, आएगा जब मिलेगा, यही बोल के टाल देता। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का मरीज आदमी, मरीज ऊपर से गरीब, वो नहीं मिलेगी यहाँ पे, डॉक्टर पहले ही बोल के देते हैं दवाइयाँ, बोल के देते हैं पहले ही ये दवाई यहाँ मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये बाहर से लेनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, पहले ही बोलते हैं डॉक्टर। खून टेस्ट की भी बाहर के लिख के देते हैं, बोला खून टेस्ट बाहर कराओ, और कल लड़का मेरा रेफर करा था पटौदी से यहाँ के लिए, कल एडमिट नहीं किया, आज कराया, वो भी लड़ाई झगड़े से, अभी यहीं है मेरा लड़का वो रहा। सर हॉस्पिटल है, अखाड़ा क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक दिक्कत तो होगी, क्योंकि मरीजों की अगर संख्या इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर के पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए डॉक्टर भी इंसान है, वो एक मरीज अगर दिन भर में 20 मरीज को देख सकता तो 20 ही देखेगा ना, आप उसको अगर 200 अभी मैं आप बताइएगा कुलभूषण जी को, 2 मिनट रुक जाएगा, लेकिन आपके पास बर्न वार्ड नहीं है, आपके पास कोई कैंसर का हो नहीं है, यानी कि आप समझिए कि सुपर स्पेशलिटी के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है।
साइबर सिटी गुरुग्राम जैसे शहर में आपके हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सुपर मल्टी स्पेशलिटीज का कुछ भी वो नहीं है। राजी मैं आप जो आज आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और मैं समझता हूं कि हम इन सब बातों के अंदर जो है जो अच्छा कर सकते हैं इस प्रकार के सुझाव हम सरकार के पास निश्चित रूप से भेजेंगे। और जो हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं उनसे भी मैं सीएम साहब से निवेदन रहेगा कि आम जनमानस को जो मरीज है यहाँ पर आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, हम सबको मिलकर इस बात का प्रयास करना चाहिए। प्रयासों में कुछ लग रहा है दम है, क्योंकि दावे तो बहुत होते रहे लेकिन अब प्रयास का दावा आ रहा है, लगता है कि है कुछ नियत कुछ होगी जब साक्ष्य सामने दिख रहे हैं। देखिए जैसे भी मरीज आपके सामने आए, ये तो चलो आज आप मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं सामने आ गया और आपने इस बात को उठा दिया, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें तो क्या मरीजों का भविष्य सुधर जाएगा? ये बुनियादी बात है। गोरख धंधा चल रहा है, कोई जिम्मेवारी नैतिकता की अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जब तक इनका शिकंजा एक मजबूत तरीके से नहीं खींचेगा ये हॉस्पिटल सात जन्म ही सुधर सकता। यहाँ सब लूट में लगे हुए हैं, अपने घर को भरने में लगे हुए हैं, कोई दवाइयों को लूट रहा है, कोई अपनी तनख्वाह को लूट रहा है, कोई अपने समय की बर्बादी कर रहा है, लेकिन मरीजों की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि सरकार का जो मसीहा है वो ढीला है। नई बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है, आपने शुरू में भी ये बात कही कि नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी, जल्द बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक तो जो जमीन जो जिस स्कूल की जमीन लेनी है उस जमीन को ट्रांसफर करने को लेकर ही एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। तो आप तो बात ये कर रहे हैं तो बहुत मतलब दूर की बात हो गई, अभी लगता नहीं है कि 10-15 साल से पहले इस शहर के लोगों को इन गरीब लोगों को, क्योंकि यहाँ यही लोग आते हैं, मैदानता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है वो जा नहीं सकते। चलिए यहाँ कुछ रिपेयरिंग का भी काम हो रहा है, आप कह रहे थे तो कुछ रिपेयरिंग उधर भी करा दीजिए, आप यहाँ रिपेयरिंग तो करा रहे लेकिन वहाँ भी करा दीजिए। हाँ बताइए। चार तारीख ना आई, देख चार नंबर में मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, माँ आई थी, पेट में दर्द मेरे बहुत जोर का था, मैं रो के चली गई, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अंदर बैठा हुआ था, कोई सुनाई नहीं करी मेरी। तकलीफ क्या? मेरे पेट में दर्द बेटा, आज टीका लगाई ने डेरा, आप आ रहे हो इसलिए मैं बहुत देर की तड़प रही थी वहाँ पे, मेरा अल्ट्रासाउंड का भी आज उन्होंने देखा कि 8 नंबर पर खड़ी थी, मैं रो रही थी, कोई सुनाई नहीं, गेट पकड़ी नहीं, आंटी चल चल, सबका दर्द होता है, किसी का ज्यादा हुआ किसी का कम हुआ है। डॉक्टर ने सुनी नहीं आपकी? नहीं सुनी, वो दूसरी बैठी थी उसने साइन करे मेरे। अब इंजेक्शन लगा? इंजेक्शन इन लड़के लगा दिया, पहले आई थी इनने भी दो टेबलेट दे दी, रो के चली गई, मैं सुनाई नहीं होती यहाँ पे, मैंने बोल के गई थी यहाँ लॉक लगा दो, हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो कोई आएगी कि नहीं, जनता नहीं आएगी यहाँ पे, लॉक लगा दो, लॉक इव जाऊंगी अल्ट्रासाउंड कराने तो केबल लगी, अभी नंबर निकल लाना, टोकन बंड लिए, टोकन अपने अपने आदमियों की खातिर रखते हैं, टोकन आएगा इमरजेंसी में दे दूंगी, यार ये प्यारे रिश्तेदार आएगा उन्हें टोकन बांट देगी, मारे भर के तो रोगी चल जाएंगे, गरीब इंसान गरीबा खातर मोदी बोलता है ये कर दिया मैंने वो कर दिया, क्या कर दिया मोदी ने, जब हम रोगी चल जावा यहाँ से, बहू ने लेके आई, पोती ने लेके आई, रोंदी रोंदी आई, रोती लेके चली गई यहाँ से, प्राइवेट में इलाज कराना से तो इसको लॉक लगा दो ना। कुछ जवाब है क्योंकि मेरे पास तो सवाल करने के भी नहीं है, इतना सब बता दो। नहीं ठीक है, इनका इनकी पीड़ा जो है निश्चित रूप से इनको असुविधा हुई है, सारी फ्रूटी सारी ये आप पी रही, बहू ने लेके आई थी, बच्चा रो रहा था, मैंने एक मांगी तो दी नहीं, ने छोटी बेटी आ रही थी मेरी साथ में 1.5 साल की, उसने फ्रूटी नहीं दी, अरूट बैठी आंटी 1 घंटे रुक, 2 घंटे रुक, मैं 8 बजे आई थी, 4 बजे यहाँ से गई, भूखी तिसाई, बहू ने ले रही, पोती ने ले रही, मैं ले आ रही, आया तो इसी से हाल हो रहे, बिस्कुट आठ बैठी बैठी ऐसे बोल आंटी, मेरी आवाज तेज से बेटा बोल आंटी, मंदी क्यों बोलूंगी, मंदी तनख्वाह नहीं ले रही के सरकार की, तुम हरी में इलाज कर रही हो। ये तो सही बात है, आप ताला लगा दीजिए ना, जब इलाज होना ही नहीं है, लोगों को मरना है तो फिर एक बिल्डिंग भी खड़ी करके क्यों लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, लगा दीजिए ताला। नहीं देखिए, इतने आपने देखा है सारा प्रकरण को, इसमें एक अम्मा जो है इनके साथ निश्चित रूप से जो बता रही है पीड़ा, ये गलत हुआ होगा मैं मानता हूँ। एक नहीं, जिस जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से आवाज ही आवाज आ रहा, आप भी कुछ बता रहे थे, आपकी कुछ समझ। मैं कहना चाहता हूं सर कि समस्या काफी थी लेकिन अभी 4-5 साल से काफी कुछ प्रोग्रेस अच्छा हुआ, मेरी ग्रैंड मदर थी उनकी सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने काफी अच्छा कोऑपरेट किया है सर, साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था और खाना भी अच्छा मिल रहा है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले की अपेक्षा अभी कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो गया, चलिए ठीक है, एक आदमी मिल गया आपको ये अच्छा कहने के लिए, बाकी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, और देखिए किस तरह की पीड़ा यहाँ पर है, इलाज नहीं हो रहा है, एक बुजुर्ग महिला यहाँ इलाज करने के लिए आ रही है, उसको इंजेक्शन नहीं, दवाई नहीं हो रही, मतलब कहाँ
कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं? सरकार सरकार है भी या नहीं है? नहीं, सरकार है। अगर देखो आप सुनो, उनको अगर कोई असुविधा हुई है, उनको उन्होंने कहा है कि दवाई मुझे मिली लेकिन लेट मिली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इनको इनको इंजेक्शन भी लगाए, ये कह रहे हैं इंजेक्शन आज लगाया है, तो मरीज जो है उस लगता है कि एकदम से आराम मिल जाए। तो डॉक्टर ने पहले दो गोली दी है इनको, उसके बाद जब आराम नहीं हुआ तो आज इनको इंजेक्शन लगाए, ये बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आंखों में जो आंसू है, वो जो आवाज में जो तकलीफ है, वो झूठी है क्या? किसी पॉलिटिकल पार्टी से है क्या ये? मैं इनकी पीड़ा को बिल्कुल बड़े अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये संतुष्ट नहीं है, तो प्रयास यही होगा। बात संतुष्ट नहीं, इलाज नहीं हुआ सर, वही कहा आज तमारे थे जिसलिए इंजेक्शन लगा दिया, दो गोली देके मैंने टाल देती जा आंटी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, मतलब क्या हालत है। देखो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई कुलभूषण है, ये हमारा युवा साथी है और बहुत ही अपने बात ही उठा सकता है, अपनी आवाज को कह सकता है। सवाल तो ये कि जिनको ये कहेंगे क्या वो संज्ञान लेंगे? क्या चार सालों में संज्ञान लिया? चार साल से पहले की सरकारों ने ऐसी योजना बनाई कि जो आज दिन ना देखना पड़े, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी, इनका जांच करके जो लोग इस तरह काम नहीं कर सकते उन्होंने डॉक्टर से हटाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर डॉक्टर लगाओ। एक आज डीसी रेट के ऊपर 12,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलते, इनको 40-40 50-50 हजार मिले, शर्म की बात है। एक आम आदमी के इलाज देखिए राज जी, ये जो बार बार ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है, इंसानियत भी कांप जाए, रोना आ जाए, ऐसी यहाँ की परिस्थितियां हैं। इसके लिए कम से कम जो फौरी तौर पे सरकार राहत दे सकती है, स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को गब्बर कहता है, गब्बर के राज में देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या मरीजों को दवाइयां देने में भी पिछली सरकार का दोष है? क्या मरीजों को इंजेक्शन समय पर मिल जाए, उनको इलाज मिल जाए, न्यूनतम इलाज मिल जाए, ये भी पुरानी सरकारों को, क्योंकि इनको हमें पैसा सारा ये खाएंगे और दोष पुरानी सरकारों पर देंगे। गब्बर के राज में गोली नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए जिस हमारे जो मंत्री जी के बारे में, जैसे राजेश ने गब्बर, तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे मंत्री जी कहीं पर भी कोई लापरवाही मिलती है तुरंत उसको सस्पेंड करने का काम करते हैं, ताकि आम जनमानस को जो मरीज है उसको लाभ मिले। लेकिन वही विपक्ष जब आता है तो वो कहता है कि सस्पेंड डॉक्टर को क्यों कर दिया। तो इन लोगों की जो नीति रही है वो ये रही है, फूड सर इनकी नीति तो मैं समझ गया, लेकिन आपकी नीयत पे भी तो सवाल हो रहा है ना, कि आपकी नीयत नहीं है लोगों को फैसिलिटीज देने हमारी, लेकिन क्या एक वादा करेंगे यहाँ से कि आज जो तस्वीरें आपने देखी हैं, कम से कम जो आपका सोया हुआ सिस्टम है उनकी आंखें खोलेंगे, उनके कान खोलेंगे और उनको बताएंगे, दिखाएंगे कि भाई ये हालत हो रहे हैं आपके सरकारी अस्पताल में, एक वादा की उम्मीद रख। निश्चित रूप से आज की इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी समस्याएं हैं, यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे और ऊपर मंत्री जी तक भी इस बात को पहुंचाएंगे कि जो हमारा सिविल अस्पताल है उसके अंदर जो मरीज आता है वो बेहाल किस कारण से, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सरकारी अस्पताल की वो तस्वीरें थी, वो दर्द था, वो तकलीफें थी जो आज हमने यहाँ पर दिखाई। लोग यहाँ दर्द से कराहते हुए इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, कहीं दुगना और दर्द और तकलीफ उन्हें मिलती है जब उन्हें इलाज समय पर नहीं दिया जाता। एक सरकारी हॉस्पिटल तो कहा जा रहा है, लेकिन अगर इसे रेफरल सेंटर कहे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े जब केस जाते हैं, कोई ट्रॉमा को कोई केस है तो उसे यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है, सिर्फ फर्स्ट एड देने के लिए। और अब तो स्थिति यह है कि जब अगर एक सरकारी अस्पताल में आप ठीक से इलाज नहीं दे पा रहे हैं, मरीजों को ठीक से सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो इसे खोलने की जरूरत क्यों है? क्यों दिखावा कर रहे हैं? बंद ही कर दीजिए, क्योंकि बाहर बैठे हैं जेब काटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाकर। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।